सो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप रियलमी नार्जो 50 प्रो मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट दिया गया है इसको कैसे आप सेट कर पाएंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का। तो आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट, तो सिंपली आपको फिंगरप्रिंट पर टैप करना है। देन यहाँ से आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप पैटर्न चाहो तो पैटर्न अल्फाबेटिक या फिर न्यूमेरिक चुन सकते हो। यहाँ से मैं पैटर्न पर क्लिक करूँगा और अपना एक पैटर्न बना लूँगा, जो भी आप रखना चाहते हो उसको बना लीजिए। उसके बाद फिर से कन्फर्म कर दीजिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि ओके करिए और अपनी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को यहाँ पर स्कैन करवाइए। तो देखिए, मैं यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को जो है यहाँ पर स्कैन करवा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी फुल स्कैन करवा लेना है। जब ये फुल स्कैन हो जाएगा तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, इसको मैं फुल स्कैन कर रहा हूँ और देखिए ये लगभग स्कैन हो चुका है। आपको घुमा घुमा करके जो है स्कैन करा लेना, ताकि ये अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाए। तो ये देखिए, यहाँ पर डन का ऑप्शन आ चुका है। तो अब मैं डन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है वो लग चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट आ चुका है, और ये देखिए डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट जैसे लगाया तो यहाँ पर जो है ओपन हो गया। तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हैं।